और चलिए रुक करेंगे खबरों का। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मरने वालों के परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी की बात भी कही गई है। हिंसा में घायल हुए लोगों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है, मुआवजा देने की बात रखी गई है। साथ ही घटना की न्यायिक जाँच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी सरकार ने किया है। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने लखीमपुर आ रहे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया है।